आपने 2010 में 10th पास किया, कास किया? सर गंगापुर सिटी। ट्वेल्थ तो 2012 में वही। यस सर। स्कूल का क्या नाम था? सर क्रिएटिव पब्लिक स्कूल। और ग्रेजुएशन 2018, एलएलबी 2018 में? सर बीएससी बैचलर इन साइंस 2018 में किया। अच्छा ग्रेजुएशन, अच्छा लो किया 2021 में। यस सर। तो आपने ये प्लान दिमाग में कब आया आरजेएस बनने का, भाई क्या करना है, कैरियर को चूज किया ना आपने, भाई क्या है कौन सी साइड में जाना है? सर मुझे आफ्टर 12th ही लॉ पढ़ने में इंटरेस्ट था, पर इनिशियली फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, तो मैंने साइंस स्टार्टिंग फ्यू ईयर्स प्रिपरेशन किया एंट्रेंस इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, फिर बीएससी किया, फिर उसके बाद मैंने जब मैं फाइनल ईयर में थी तब मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास किया, तो उसके बाद मेरी फैमिली अग्री हो गई। तो आप क्यों बनना चाहते हैं आरजेएस? सर इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं। फर्स्ट रीज़न ये है कि मैंने बचपन से देखा है जुडिशरी एक बॉडी है जो कि रॉन्ग डूअर्स को पनिश करती है और विक्टिम्स की राइट को प्रोटेक्ट करती है इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर फेम पोजीशन और पावर, सो दिस वाज द मेन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन। और इसके अलावा सर मैं हमेशा खुद को सोसाइटी कंसर्न से अपडेटेड रखना चाहती हूँ और ये मेरे लिए ग्रेटफुल होगा अगर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिले उनको सॉल्व करने की। तो वो भी एग्जाम दी क्या आ रहे हैं साई ये साई के? नो सर। यस तो मैं तारीख को ऑब्जेक्ट लेगा। यस अच्छा आपने क्या सब्जेक्ट ज्यादा तैयार करता है, क्रिमिनल साइड है सिविल है और इंटरेस्ट कौन से साइड का है? सर एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से सिलेबस पढ़ा है। अच्छा कौन सा लगा? सर कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो फंडामेंटल राइट्स होगा किसके अगेंस्ट में मिलते हैं? सर फंडामेंटल राइट्स वो लेने के लिए एम्पावर्ड है किसके अगेंस्ट में? सर स्टेट के अगेंस्ट में मिले हुए हैं। बाय स्टेट सर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ स्टेट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट एंड ऑल लोकल अथॉरिटीज एंड अदर अथॉरिटीज। क्या क्या जुडिशियरी भी शामिल है क्या स्टेट की डेफिनेशन में शामिल? सर मेरे ओपिनियन से जुडिशरी इन्वॉल्व है। आपके ओपिनियन किस आधार पर है, एक तो कोई लो पढ़ा है या साइटेशन पढ़े हैं या आपको वैसे दिमाग में आएगी? सर क्योंकि अगर जुडिशरी अगर किसी पर्सन का राइट ब्रीच होता है तो सर फर्स्ट थिंग तो जुडिशरी हमेशा एक पर्सन के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, बट सेकंड थिंग अगर वहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तो एक पर्सन को उसके अगेंस्ट भी राइट मिला हुआ है। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू? यस सर। ये क्या है? सर पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज टू चेक द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव ऑन द ग्राउंड ऑफ जस्ट फेयर एंड रीजनेबलनेस। कहाँ है इसका प्रोविजन, कहाँ है? आर्टिकल 13। आर्टिकल 13। यस। और आर्टिकल 32, 226 ये क्या है, इससे क्या लिंक है इनका? सर आर्टिकल 32 और 226 इज अबाउट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। 32 इज फॉर द इन्फोर्मेंस फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स अ पर्सन में अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट एंड अंडर आर्टिकल 226 अ पर्सन में अप्रोच फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज फॉर द अदर राइट्स इन हाई कोर्ट। आईपीसी में कई ऑफेंस वगैरह बुक्स पढ़ते हैं या कोई बात आती है तो डिसऑनेस्टी या और कहीं इंक्रीमेंट भी आती है, व्हाट डू यू मीन बाय डिसऑनेस्टी? सर कोई भी ऐसा एक्ट जो कि किया गया है डिसीटफुल विद इंटेंट टू डिसीव समवन और या रॉन्गफुल लॉस रॉन्गफुल गेन। यस सर विद द इंटेंशन ऑफ रॉन्गफुल लॉस टू वन पर्सन एंड रॉन्गफुल गेन टू अदर पर्सन। यस सर। Which is not entitled them. हाँ, who is not entitled to gain them or who is क्या wrongful loss wrongful gain? सर wrongful loss और wrongful gain है section 23 में। हाँ यहाँ पे अलग direction जा रहे थे इसलिए वाली बुक। थैंक यू। issues की frame कब कौन सी stage होती है issues की civil suit? सर पहले जुडिशियल ऑफिसर है वो प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस को सुनेगा, फिर डिफेंस एविडेंस को, उसके बाद में इशू फ्रेम करेगा। प्लेंट आएगा, प्लेंट ये रिटन स्टेटमेंट आएगा। यस सर। सॉरी सर। इश्यूज कितने तरह के होते हैं? सर टू टाइप्स, इशू ऑफ फैक्ट एंड इशू ऑफ लॉ।
Can issues be remanded at any time? Yes, sir. Pleadings mein amendment ke kaun se provision hota hai? Sir, order 6, rule 17, amendment of pleading. In addition to this? Sir, section 152 and 153 is also about amendments. 148. Okay, sir. Sorry, sir. Sir, आप जज बनने जा रही हैं, किसी भी जजमेंट को लिखने से पहले आप क्या क्या चीज़ उसमें इंक्लूड करेंगे? सर, पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन, रीज़न फॉर सच, सर, पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन, डिसीजन एंड रीज़न फॉर द डिसीजन. बस दिस इज ऑल सर. डिसीजन में जजमेंट में राइटिंग जजमेंट. यस सर. व्हाट यू विल राइट इन दिस जजमेंट? कंटेंट्स. ओके सर, नेम ऑफ द सूट, नेम ऑफ द पार्टीज एंड द इश्यूज और द कॉज ऑफ एक्शन, रिलीफ प्रोवाइडेड एंड रिलीफ प्रोवाइडेड, पार्ट्स ऑफ डिटर्मिनेशन एंड डिसीजन एंड रीजन फॉर द डिसीजन, और इफ देयर इज अ सेंटेंस देन रीजन फॉर सच. Somebody citing case laws, then? Yes, sir. You will apply your mind or not? Yeah, yes, sir. Sure, sir. So this is the basic thing. While passing the order. Yes, sir. Both sides will try the judgments. Yes. Definitely you will read all those judgments. Yes. Then you will interpret those judgments. Yes. Then you will give your reasoning over the judgments. Whether the judgment is used against or favoring of both the parties. What is section 70 sub clause 2 of CRPC? No matter. What is the minimum natural justice? Sir, to provide the natural justice means there are some provisions like both the parties should be heard and sorry sir. Don't disappoint. अरे जो चीज नहीं आए ना, अरे हम आपको मना कर देते हैं. कोई सारे चीज को भी नहीं आता. दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको सब कुछ आता हो. सर, आई हैव रीड बट अभी इंस्टेंटली रिकॉल नहीं हो रहा है. पूछ रहा हूँ. नेचुरल जस्टिस के बारे में सर ने पूछे कुछ आपसे. यस सर. नेचुरल जस्टिस का मतलब इन्होंने सिर्फ डेफिनेशन के बारे में पूछा कि आपकी नज़र में नेचुरल जस्टिस किसे कहा जाता है. तो जनरली मतलब जहाँ कहीं साइटेशन अवेलेबल नहीं है, जहाँ कहीं साइटेड लॉ नहीं, स्टेटूट लॉ नहीं है, वहाँ डिस्क्रिप्शनल या नेचुरल जस्टिस अप्लाई होता है. ठीक है, वो कोर्ट कब करती है उसके लिए भी सर ने पूछा भी आपसे. तो वही करती है कि जहाँ पे आपके साथ ऐसी जितनी प्रॉब्लम कोर्ट के सामने आएगी जिसको आपने सुना, तो कहीं भी आपको सेटिस्फाई होगी इंश्योरेंस तब इस केस पर. तो उस केस में भी आपको कोर्ट को अपने आप को ये दिखाना पड़ता है लिटिगेंट्स के सामने, प्लस आपका जजमेंट पर कोई पड़े तो इससे शो होना चाहिए कि आपके जजमेंट से एक ट्रांसपेरेंस एप्लीकेशन के साथ आपका जजमेंट थोड़ा हुआ है. तो ऐसे केस में आपकी कोर्ट में अगर आप किसी आरएएस को संज्ञान में लेते हैं, किसी विटनेस को बुलाते हैं, तो उसकी यूनिफॉर्म से रिलेटेड तो आप जरूर जज करेंगे. सॉरी सर, आई डोंट. एक आईएएस ऑफिसर या आईएएस ऑफिसर कुछ भी बैंक रिपोर्ट में थोड़ी आ सकता है. सर, वो सिविल यूनिफॉर्म में आ सकता है. सिविल यूनिफॉर्म में आ सकता है, बस उसका सर्विस कोड भी है. जनरली
सर्विस कोड जो यूनिफॉर्म कोड है वो हर ऑफिसर के लिए फिक्स है, वो ये कलवाते कि आपकी जानकारी में नहीं है। लेकिन हर ऑफिसर जब भी कहीं अपने शहर और सिटी के पास जाता है तो भी यूनिफॉर्म कोड को मेंटेन करता है। दूसरा ये कह रहा था मैं आपसे कि बचपन से लेकर आज तक आपने जो प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन में आपका एक सीनेरियो रहा होगा फ्रेंडशिप में, तो उस फ्रेंडशिप सीनेरियो में भी आपके साथ और भी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने जुडिशियरी को नोट किया है या किस लेवल पे आपने? फ्रेंड सर्किल में सर मेरे मोस्टली जो फ्रेंड सर्किल में है सर वो इंजीनियरिंग सर्विसेज में है। यस सर। ये तो आपको पहला अटेम्प्ट है? यस सर। 3 ईयर होने के बाद? यस सर। इंग्लिश मीडियम से आप? यस सर। हिंदी का भी बेसिक आपका अलग से तैयारी करनी पड़ी या सर? हिंदी में मैंने जो टर्मिनोलॉजी है जो वर्ड्स वगैरह उनको मैंने कोशिश किया है कि मैं एक बार देख लूँ जिससे मुझे मैं क्वेश्चन का आंसर कर पाऊँ, मैं समझ पाऊँ कि किस चीज़ से रिलेटेड है। चीटिंग की डेफिनेशन आईपीसी में दी हुई है? यस सर। कौन सा सेक्शन? सर 415। क्या है? सर इफ एनी पर्सन विथ इंटेंट टू डिसीव विथ इंटेंट टू डिसीव इंड्यूस एनी पर्सन टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी और टू गिव और टू गिव कंसेंट टू पजेस सम प्रॉपर्टी और टू डू और एब्सटेंड फ्रॉम टू डू और एब्सटेंड फ्रॉम एनी एक्ट विद द इज चीटिंग। अच्छा, अपने आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट आपके सिलेबस में है? सर जुडिशरी सिलेबस में नहीं, फाइनल ईयर सिलेबस में था। जुडिशरी में नहीं था? आपने पढ़ा था जुडिशरी में? नहीं है, आरजेएस में सिलेबस में है। सॉरी सर, सिलेबस आपको याद नहीं है आरजेएस का? सर एक्ट नहीं है क्योंकि मैंने एक्ट नहीं पढ़ा है। सिलेबस में लिखा होता है कि ये आईपीसी सीपीसी एवरेंस एक्ट आर्बिट्रेशन कंसोलिडेशन। आई डू नॉट अवेयर अबाउट इट सर। आई हैव नॉट रीड एक्ट पर्टिकुलर एक्ट बट आई हैव रीड प्रोविजंस इन द सीपीसी रिगार्डिंग आर्बिट्रेशन। व्हिच आर द प्रोविजंस? सर सेक्शन 89 इज रिलेटेड टू आर्बिट्रेशन फॉर द सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज आउटसाइड द कोर्ट। ठीक है। एमवी एक्ट, वोटर व्हीकल एक्ट आपके सिलेबस में है? नो सर। हिंदू मैरिज एक्ट? नो सर। हिंदू लॉ आपके सिलेबस में नहीं है? जैसे आरजेएस के सिलेबस में नहीं है। सीपीसी में एग्जीक्यूशन जब करते हैं, एग्जीक्यूशन के लिए कोर्ट डिक्री पास करता है, तो एग्जीक्यूशन में क्या क्या देखने चाहिए एक कोर्ट को जब डिक्री देता है एग्जीक्यूशन के लिए, क्या क्या गाइडलाइंस होती हैं उसमें लीगल पॉइंट्स? सर रिगार्डिंग एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन सर फर्स्ट इज ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट एंड मिस रिसेंटली 2021 में सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने गाइडलाइंस इशू की है रिगार्डिंग टू एग्जीक्यूशन, वो सभी हाई कोर्ट्स में दी है, तो कौन सा जजमेंट है कोई आईडिया? सॉरी सर आई एम अनेबल टू रिकॉल इट नाउ। तो हमने जजमेंट्स पढ़े आपकी बार रिसेंट जजमेंट्स, लैंडमार्क जजमेंट्स? हाँ मैं पढ़ रही हूँ। कोई 5 जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जो 2021 के हैं? एनी 21 सर। फर्स्ट इज बुद्धादेव कर्मास्कर वर्सेज यूनियन ऑफ वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अनदर आर वन इज रिलेटेड टू विनोद दुआ केस एंड सम अदर्स। एनी जजमेंट रिगार्डिंग टू 319 ऑफ सीआरपीसी? 319 सीआरपीसी सॉरी सर 3919 आपको आइडिया है क्या है? सर 319 राइट, इट इज अबाउट एडिशनल अक्यूज्ड इफ कोर्ट में प्रोसीड अगेंस्ट एनी पर्सन इफ इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट दैट पर्सन हैज कमिटेड एक्ट।
इस स्टेज पे 319 एप्लीकेबल है 319 कोर्ट कब ले सकता है किसी भी सर एट एनी स्टेज बिफोर प्रोनाउंस जजमेंट बिफोर चार्ज पे यस सर 190 एंड 319 में क्या डिफरेंस है सर 190 इज अबाउट टेकिंग कॉग्निजेंस and 319 is about adding some person as an accused if appears to the court that that person has committed offense so 390 ko jab cognizance leta hai to applicable hai at the time of cognizance sorry sir 319 ka exercise power ki exercise at the time of cognizance court kar sakta hai yes sir padhaye aapne dono ha sir और एट द टाइम ऑफ कॉग्निजेंस 190 यूज होता है कोर्ट के लिए टाइप ऑफ कोर्ट्स समरी ट्रायल में कौन सा कोर्ट समरी ट्रायल करने के लिए कॉम्पिटेंट होता है सर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 260 चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और चीफ सॉरी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इफ ही इज एम्पावर्ड बाय द हाई कोर्ट ठीक है और अक्यूज्ड का जब कन्फेशन होता है यस सर तो उसके कन्फेशन से पहले कोर्ट को क्या क्या देखना चाहिए कन्फेशन रिकॉर्ड सर कोर्ट को देखना चाहिए कि कन्फेशन वॉलेंटरी है और कोर्ट ये जज की ड्यूटी जुडिशियल ऑफिसर की ड्यूटी होती है कि वो उसे इंटीमेट करेगा कि ही इज़ नॉट बाउंड टू मेक सच कन्फेशन एंड इफ ही इज स्टिल ही इज मेकिंग सच कन्फेशन देन इट मे गो अगेंस्ट टू हिज फेवर काइंड ऑफ कन्फेशन सर जुडिशियल एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल दो होते हैं और अगर कन्फेशन करके भी देखिए उसको डिनाइल कर दे कि मैंने तो किया ही नहीं उस कंडीशन में उसकी एविडेंस की वैल्यू क्या होगी सर ऐसा रूल ऑफ लॉ नहीं है कि उसकी जो कन्फेशन है उसको होली डिस्कार्डेड कर दिया जाए बट ये रूल ऑफ प्रूडेंस है कि उसको अदर एविडेंस से कोरोबोरेट कर लेना चाहिए ठीक है कंकरेंट एविडेंस है या नहीं है ये कन्फेशन कंकरेंट एविडेंस है या नहीं So is it is a concurrent of evidence? Sure. But it should be corroborated with the other evidences also. Exactly. Corroboration must be there. Yes, sir. Without corroborating laws, आप उसको concurrent evidence की तरह use नहीं कर सकते. किस judgment अभी recent judgment आया है इसके regarding 2022 में? Any idea? Sorry, sir. Thank you. सेक्शन 70 इज अबाउट वारंट हाउ टू डुप्लीकेट सॉरी जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं ना हां तो आप सो लिख रहे हो अच्छा आपका ठीक वैसे कुछ बढ़िया